हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS संसारी में। और दोस्तों, आज एक बार फिर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। उत्तर प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरनल एग्ज़ाम और प्रीवियस क्लास के एग्ज़ाम के बेस पर 50-50% अंकों के आधार पर पास करने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल क्या है पूरी न्यूज़, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही ये जो न्यूज है, ये आज दिनांक 3 मई 2020 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते डेट वगैरह, ठीक है। और दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया। ये सारी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वीडियो के नीचे कमेंट्स में नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। बाद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि शायद इस न्यूज़ को यूट्यूबर्स ने अपने आप से एडिट करके बना लिया है, या फिर शायद न्यूज़पेपर की जो एजेंसी है वो इनके घर की है, तो इस वजह से वो स्टूडेंट्स, दो चार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस न्यूज़ को आप दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में आसानी से, बहुत ही आराम से अपने घर पर बैठकर रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं इस न्यूज़ को, ठीक है। जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपको ये न्यूज़ आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। और जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50-50 फॉर्मूले से उत्तीर्ण हो सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। और दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी बात अभी मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देख लेते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है, जान लेते हैं यहाँ पर विस्तार से। सबसे पहले तो आप देख सकते होंगे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सेमेस्टर पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी सेमेस्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ ही UGC की कमेटी ने 50-50 का फॉर्मूला सुझाया है। आपको पता ही होगा अभी 3 से 4 दिन पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें नए शैक्षिक सन में एडमिशन और पुराने शैक्षिक सन के जो आपके एग्ज़ाम बाकी रह गए वो किस टाइप से कराए जाएँ, बहुत सारी लंबी गाइडलाइंस जारी की गई है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, जिसके तहत विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। क्या यहाँ पर समझाया गया, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर ये उन्हीं विश्वविद्यालयों के लिए है जहाँ कोरोना के चलते स्थिति सामान्य नहीं है, ठीक है। जिन जगहों पर स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी वहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम है वो कराए जाएंगे। प्रयागराज में मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय विचार कर रहा है, लेकिन अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। UGC के सचिव रजनीश जैन ने कमेटियाँ गठित की जिन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेमेस्टर पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को आंतरिक और पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाए। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप कर देते तो निश्चित रूप से आधी बात आपके समझ में नहीं आएगी और आप नीचे कमेंट्स कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया, द्वितीय यानी कि सेकेंड ईयर और तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को 50% अंक आंतरिक आंकलन यानी कि इंटरनल एग्जाम और 50% अंक पिछले प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएँ, ठीक है। पिछले प्रदर्शन आपको कोई भी हो सकता है, पिछला सेमेस्टर हो सकता है या फिर प्रीवियस ईयर हो सकता है। प्रथम वर्ष के लिए क्या बताया गया, चलिए फर्स्ट ईयर के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। प्रथम वर्ष के वार्षिक परीक्षा पैटर्न में 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देकर पास कर दिए। तो फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में उनको 100% यानी कि जो सारे मार्क्स हैं रिजल्ट के वो प्रीवियस क्लास के बेस पर ही उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाएँ, उन्हें उत्तीर्ण कर दिया जाए यदि यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जी का क्या कहना है, परीक्षा समिति की बैठक सोमवार को बुलाई गई है जिसमें सुझाव पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ
हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।